अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। और मैं बनाने लगा हूँ आज स्पेन चीज़ ऑमलेट। ये मैंने ले लिया टाटो, टाटो में हमने ओनियन ओनियन और टाटो। अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे, वन एग, टू एग, एंड हियर इज द सॉल्ट। सॉल्ट, दिस इज द वाइट पेपर, दिस इज द वाइट पेपर। नाउ आई मिक्स इट। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, बीट विद पोटैटो एंड ओनियन एग। अब अंडे को हमने अच्छी तरीके से बीट करना है, इस तरीके हम फेंट लेंगे मिक्स करके। और ये बड़ा मज़ेदार डिलीशियस ऑमलेट है, इसको आप बगैर पराठे के खा सकते हैं, पराठे के बगैर, रोटी के बगैर, क्योंकि इसके अंदर पोटैटो बहुत ज़्यादा मकदार में है। तो एक इसमें ओनियन है, एक प्याज। तो इसको हम अच्छी तरीके से, ये देखे मैंने मिक्स कर लिया है, तो कलर भी प्यारा है। इसके अंदर हम और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर हम बाद में चीज़ लगाएंगे। और साथ में मैं चिकन को फ्राई पैन में डालता हूँ, इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको फ्राई पैन के अंदर, ये चीज़ें हमने ऑयल लेना है फ्राई पैन में, ये हमारा ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है। अब हमने ऑयल को थोड़ा सा करेंगे गरम। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसमें हमने ऑयल डाला और इसको थोड़ा सा गरम गरम करेंगे। तो ये अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। और आपने ये भी देखना है इसमें, को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसको डालेंगे इसमें। इसमें हमने फिर ये जो हमने तैयार की है, अब हमने इसके अंदर नीचे जो है ना, हमने ऑयल में हम लगाएंगे इसमें चिकन, ये चिकन को हमने पीसेस में रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ऑयल में ये चिकन आ जाएगा हमारा, ऐसे ये मैंने लगा दिया। ये देखें, ये सारे हमारे ऑमलेट जो हमारा बनेगा ना, उसमें फिर ये आ जाएगा ऐसे पूरे पे। ये बड़ा मज़ेदार डिलीशियस है और यूनिक रेसिपी है, और देखने में भी खूबसूरत होगा और बहुत ही मज़े का है। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करनी है, तो फिर मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि ये कैसा आपको लगा। अब हमने, अब गर्म में इसके अंदर हमने इसको डाल देना है, ये जो हमने तैयार करके रखा है आलूओं का, ये इसमें हमने डाल के, ये देखें। अब हमने इसको क्या करना है, थोड़ा इसको हम करेंगे प्रेस ऐसे, ये ताकि ये पूरी टिक्की जो है ऑमलेट के साथ साथ बन जाए। ये देखे माशाल्लाह, इसकी लुक भी कितनी प्यारी लग रही है, और ये क्विक सर्विस है, बहुत जल्द तैयार हो जाता है। ये देखे है ना, बड़ा मज़े का काम। तो आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है। तो अगर ये
फिर बना के आपने मुझे कमेंट करके बताना है बॉक्स में कि आपने जो बनाया है वो किस तरह का बना आपसे, क्या सेम आपने जो बनाया इस मेरी रेसिपी से ऐसा ही बना था, और फिर उसका टेस्ट आया किस किस ने कितना क्या पसंद किया है। तो आपका तो ये ब्रेकफास्ट बहुत ज़बरदस्त बन गया है, वाह उसकी लुक कितनी मज़े की हो गई। अब हमने इसको ये करना है कि थोड़ा सा पकते ही हम इसको डिनर प्लेट भी निकाल लेंगे, निकाल के इसका हमने एंगल जो है वो ऊपर तब्दील कर देना है। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह का, नीचे से कुछ पका है थोड़ा, तो इसको देखने के लिए हम ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा ये नीचे से पक चुका हुआ है। अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर हमने प्लेट डिनर प्लेट को ऐसे लगाया, ठीक हो गया। ऐसे लगाने के बाद हमने इसको सीधा ऐसे किया तो ये देखें कितनी मज़े की टिक्की बन गई है। अब हम इसी टिक्की को हम वापस इस डिनर प्लेट के अंदर रख देंगे, तो ये देखें। अब हमने आँच को बिल्कुल हल्का कर देना है लाइट, तो यहाँ भी इसको तेज़ करेंगे, लाइट फ्लेम कर दिया हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम। इसके ऊपर जो है हमने इसको चीज़ से ऐसे कर देना है, चीज़ क्रश करके इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने चीज़ को क्रश करना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे ये देखें बड़ी मज़े का काम बनेगा। ऐसे मैंने अब फ्लेम बिल्कुल लाइट कर दी है और इस तरह क्रश कर रहा हूँ ऊपर से, ये देखें चीज़ जो गिरती कितनी मज़े की खूबसूरत लग रही है। ये ऐसे इसको क्रश कर लेना है चीज को, ये सर मैं क्रश कर रहा हूँ, कितना ये खूबसूरत काम बन गया है चीज़ का। इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और हम करते हैं ऐसे, ये जो चीज़ें रह गई उस पर भी लगाएंगे सड़ों पे। ये देखे कितना मज़े का काम बन गया है। और अब हमारा ऑमलेट जो है ये तैयार के करीब पहुंचने वाला ही है, हमने इसको ये देखिए इसके ऊपर चिकन भी आ गई चीज़, अभी ये मेल्ट हो जाएगी। लाइट आंच मैंने रखी है हल्की फ्लेम पे, तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर कमेंट में मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है, तो ताकि फिर मैं नेक्स्ट इसी तरह की आपको जो मज़ीद और रेसिपीज़ है वो भी आपको फिर बना कर दूँ। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है मेरे पास, क्वालिटीज़ हैं जो आप टाटा को आप मुख्तलिफ तरीके से पीछों से इंजॉय कर सकते हैं। तो अब ये देखें हमारी चीज़ भी मेल्ट हो गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हमें फ्लेम को बंद कर देना चाहिए। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए क्या उसकी लुक कितनी प्यारी आई है ऐसे ही। तो अब हमने करना क्या है, इसी टिक्की को आपने ऐसे इस डिनर प्लेट के ऊपर निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको इधर से ही हमने ये मैंने इसके ऊपर रख दिया यहाँ पे, है ना प्यारा, इतना कलर और खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर कटिंग करके मैं पीस आपको उठा कर दिखाता हूँ। इसमें अब ये देखें हमने इसकी चीज़ के साथ ऐसे कटिंग करेंगे, ये वाओ तो अब ये देखिए मैं इसको यहाँ से जब उठाऊँगा तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए, और इसके अंदर वो भी आएगा आपको नीचे से दागों के भी, है ना मज़े का। वाओ इसके अंदर वो
इस तरह के धागे से बंध रही हैं, ये देखें बड़े मजे के। ये बात है, ये पीस उठाया। अब मैं आपको इसी तरह का एक और पीस भी उठा के दिखाता हूँ इसी में से। अब हमने इसको साथ वाले को ले लेते हैं इधर से, ठीक है, यहाँ से इसको काटते हैं। तो यहाँ से ये देखें, और ये वो सो ब्यूटीफुल। तो अब हमने इसको खाने के लिए, अब यहाँ से आप इसको शुरू कर लें, ये देखें नया। तो अब ये किस तरीके से इसके ये बन रही है लेज, ये इसके अंदर लेज भी आ रही है ऐसे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो जो कि अगर रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।